हेलो फ्रेंड्स, हाय। और आज मैं लेके आई हूँ आपको वेगस मॉल के फन सिटी में। जी हाँ दोस्तों, जब हमने मॉल में एंट्री की ना, तो हमें रास्ते में सबसे पहले हेमलेस मिला। हेमलेस में हमने जियाना को खूब मस्ती करवाई, पूल बॉल खिलाया, फ्रॉक के साथ खिलाया। एक्चुअली आज हम फन सिटी का मूड बना के आए थे। जियाना और उसकी फ्रेंड, उसकी मम्मा, हम सब लोग आज हमने मीटअप प्लान किया था, तो हम वेट कर रहे हैं उसकी फ्रेंड का। जैसी वो आएगी तो हम फन सिटी में चले जाएंगे। ये लो, ये देखो, उसकी फ्रेंड आ गई। जियाना की फ्रेंड थोड़ा शर्मा रही है और जियाना अपना बैग दिखा रही है, अपना रैपिड बैग। फाइनली थोड़ा मिक्सअप हो गया दोनों। और देखो, शमाशा और बेर के साथ खेल रहे हैं दोनों। दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों स्कूल के बेस्ट फ्रेंड हैं। उनकी स्कूल की खूब मस्ती होती है और आज हमने इनको मॉल में मीटअप कराया है। तो फन सिटी के अंदर दोस्तों ये लोग पहुंच चुके हैं और शायद ही इन्होंने कोई झूला छोड़ा है इन्होंने, क्योंकि ये जो फन सिटी जो है ना, बच्चों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना अपनी तरफ। इतने प्यारे प्यारे झूले, इतने अच्छे झूले हैं ना, बहुत मज़ा आता है। और सबसे ज़्यादा मुझे ना यहाँ मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ जियाना और उसकी फ्रेंड तो मज़े कर रही है, हम लोग भी मज़े कर रहे हैं। क्योंकि इसके थोड़ा बैक साइड में ना इतने अच्छे अच्छे, मतलब अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे चढ़ने का है, स्लाइडर है और बहुत ही मज़ेदार है। ये देखो, यहाँ पे ये फ्रंट में इन्होंने एक स्लाइडर बना रखा है, जिसमें टेंट सा बना रखा है। इसके ऊपर जाके ना नीचे से स्लिप होते हैं, वो बहुत मज़ा आता है। और ये मैं हूँ, मैं यहाँ पे स्लाइड कर रही थी, थोड़ा स्टिकी हो रहा था क्योंकि मैंने शॉर्ट्स वियर कर रखे थे। बाकी ये बिल्कुल स्ट्रेट स्लाइडर है यार, बहुत मज़ा आया। फाइनली मैंने इसको कर लिया, ये मैं आ गई। मुझे बहुत हंसी आ रही थी इसको करने के बाद। एक दो बार मैंने और किया था, बट मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया यार, बहुत अच्छा लगा। अब जियाना देखो, जियाना ऊपर टेंट पे चढ़ रही है और साइड से स्लाइडर है, वहाँ से निकलेगी। बट जियाना ना थोड़ा सा डरती है, थोड़ा ऊंचे पे, काफ़ी हाइट पे है ना ये स्लाइडर, स्ट्रेट है इसलिए थोड़ा सा डरती है। इसकी फ्रेंड बहुत अच्छा करती है, उसने तो बहुत बार किया। अभी वो भी पीछे पीछे ढूंढते ढूंढते आ जाएगी। इसको जियाना कहाँ है, जियाना कहाँ है, ऐसे बोलती, ये आई जियाना कहाँ है। और पहुँची इसके पीछे। दोस्तों ये फन सिटी ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छा मुझे ये एरिया लगता है, क्योंकि इस एरिया में ना, मतलब आप 350 चार्ज लेंगे बच्चे का, और एक सॉक्स भी बाय करने पड़ेंगे 50 रुपीज़ के, वन टाइम बाय करना होता है। और सॉक्स को पहन के आपका, मतलब इससे ग्रिप बहुत अच्छा बना रहता है फ्लोर पे, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और ये सॉक्स आपको भी बाय करने होंगे अगर आप अंदर जा रहे हो तो। हालांकि मम्मीज़ की एंट्री मतलब फ्री होती है, ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है। मदर्स आ सकती हैं बच्चे के साथ, फादर नहीं आते, मदर्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ जियाना और दक्षु का ही हमें पे करना पड़ा था, बाकी हमारा तो फ्री एंट्री थी, हम अपना आ गए थे अंदर। और ये जो बहुत अच्छा था ये, मतलब बॉल वाला, अब ये लोग ना थक गए हैं और इन्होंने बहुत मस्ती कर ली, अब कुछ खाने पीने आ गए और अपना फेवरेट खा रहे फ्रेंच फ्राइज। इन्होंने अंदर बहुत धूम मचाई थी, बहुत झूला झूला था। ये मेरा ना पहले वाला वीडियो है, इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम जियाना को यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो वो आती रहती है वेगस मॉल के फन सिटी में, लेकिन अंदर वाले में जो भी मैंने आपको दिखाया, जिसमें फीस 350 के आसपास की थी और वन आवर का टाइम था, वो हम सेकंड टाइम किया था। ये यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम किया था ये। और यहाँ पे जियाना अपनी फ्रेंड के साथ ही आई है, मतलब उसको यहाँ दोनों मस्ती करने के लिए आ रखे हैं। जियाना कैटी वाला झूल रही थी। अब देखो, दोनों देखो फर्स्ट सीट पे बैठे हुए हैं और दोनों बहुत मस्ती कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं। तो शुरू में तो हमने इसको बाहर के झूले कराए थे फन सिटी के, लेकिन वो अंदर वाला झूला फिर हम इसको बाद में ले गए थे। ये हमने पेपा पिग वाला भी एक इसको झूला झुलाया था दोनों को। दोनों हालांकि छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सभी झुला सकते हैं, सभी झूल सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसके बाद इन्होंने एक बॉल वाला भी गेम खेला था, जिसमें बॉल डालनी होती है। हालांकि मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगा था, फालतू में उसको रिचार्ज किया था, कुछ नहीं होता, बस बॉल डालनी होती है अंदर। ये वाला झूला, इसमें राउंड राउंड गोल गोल घूमता है, इसमें बड़े भी बैठ सकते हैं, छोटे भी बैठ सकते हैं। और ये देखो, ये मैं आगे बैठी हुई हूँ, पीछे जियाना उसकी फ्रेंड, और उसके पीछे उसकी मम्मा बैठी हुई हैं। और हमने वो राउंड वाला जो घुमाना, इतना तेज चला था ना कुछ सेकेंड के लिए, तो मैं राउंड वाला अवॉइड करती हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि जब होने के बाद जब फ्लोर पे उतरा ना, तो सर थोड़ा घूम सा जाता है, लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आता है, बच्चे पूरा एंजॉय करते हैं यहाँ पर। बच्चों के लिए तो सब कुछ ही है यहाँ पे।
इसके बाद ये बस वाला, इन्होंने बस चलाई और सॉन्ग गाया द व्हील ऑन द बस राउंड एंड राउंड। दोनों लोग ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं आगे पीछे और पूरे मजे ले रहे हैं। ये स्विंग लिया था, द फन स्विंग, बहुत ही अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा लगा। ये इसमें बड़े बैठ सकते हैं साइड में, अगर आपको अपने बच्चे के साथ बैठना है। ये देखो फिर ये वही है दोस्तों, इसके अंदर वही 1 आवर वाला टाइमिंग है, इसमें 1 घंटा आप अंदर इंजॉय कर सकते हो। और ये बच्चों के लिए इतना अच्छा है और सेफ्टी भी है, मतलब इतना इस फैब्रिक का बना है कि बच्चों को चोट नहीं लगती है और पैर मतलब जो सॉक्स पहन रखे उससे ग्रिप भी अच्छी बनी रहती है। तो यहाँ पे भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं और भी बड़ी सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए। पूल बॉल भी है। तो हम भी इनके साथ ही चल रहे थे, थोड़ा थोड़ा मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी थोड़ा बहुत इनको, लेकिन एक्चुअली हमें थोड़ा बैंड होके चलना पड़ रहा था क्योंकि बच्चों की हाइट के हिसाब से बनाया है ना, तो बच्चे तो पूरे मज़े ले रहे थे लेकिन हम थोड़ा झुकझुक के चल रहे थे। तो थोड़ा बहुत मैंने इसका वीडियो बनाया, बाकी मैंने खुद भी खूब मज़े किए हैं क्योंकि उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन रख दिया और मैं खुद भी मज़े करने लगी क्योंकि यहाँ पे स्लाइड वगैरह बहुत अच्छी अच्छी और काफ़ी बड़ी बड़ी है तो खूब मज़ा आता है। ये जियाना और उसकी फ्रेंड दोनों लोग जा रहे हैं पूल बॉल में और उन्होंने पूल की पूरी मस्ती कर रखी है। ये जंप मारी जियाना ने और बहुत मज़े किए, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस यहाँ का, इन्होंने बहुत मज़े किए। देखो उसकी फ्रेंड भी आ गई। यहाँ से निकलना दोस्तों बहुत मुश्किल था, मुझे बहुत झुक के जाना पड़ता है, इसलिए मैंने अंदर गई ही नहीं, मैंने बाहर से ही वीडियो बनाया है। टनल सा बना रखा था और मैं नेट से देखने की कोशिश कर रही थी कि जियाना कहाँ गई। देन इसके बाद ये छोटे छोटे स्लाइडर है लाइटिंग वाले, ये भी बड़े मस्त है, इसके नीचे से निकलो ऊपर से स्लिप हो, बड़ा मज़ा आता है। और ये जो लाइट्स है बच्चों को तो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ये कभी सीधा कभी उल्टा, ये नीचे से निकल गई जियाना, अब जियाना आगे आगे जा रही है, दक्षो उसके पीछे पीछे जा रही है, उसकी फ्रेंड उसको ढूंढते हुए कहाँ जा रही है, क्या क्या नया टॉय मिल गया उसको। यहाँ पर जियाना कोई झूला झूल रही होगी तो हाथ लग गया बटन दबाते समय किसी बच्चे का, तो बता रही कि मुझे ऐसे मारा, मुझे ऐसे लगा। बाकी ये ट्रम्पोलिन दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं इस पर जंप करूँ, बट ये बिल्कुल फ्रंट में था तो मैंने ऐसा कोई चांस नहीं लिया। पीछे वाले मैंने थोड़ा स्लाइडर वगैरह स्लाइड की है लेकिन आगे फ्रंट पे जो फिर थे ना उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, किसी ने कुछ कह दिया तो भाई है तो फिलहाल ही बच्चों का ही, बच्चे तो पूरी मज़े करते हैं। फाइनली अब यहाँ का भी ओवर हो गया है और इन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया है, ये वेट कर रहे हैं अपने चिप्स का, अपने बर्गर का, अपने फ्रेंच फ्राइज का। तो दोस्तों ये था हमारा वेगास मॉल का फन सिटी का वीडियो, आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।